देखो वो तो बोलते हैं ना केकड़ा खाते हैं कि नहीं, देखो ये देखो केकड़ा, ये देखो तला हुआ केकड़ा, ये बड़ा वाला झींगा। सी शॉप, इधर भी शॉप, उधर भी शॉप, पूरा शॉप शॉप। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। आज मतलब कल हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज शाम को हम लोग निकले हैं टहलने के लिए, मतलब मार्केट है ना, मतलब पूरी के जो बीच है ना वहाँ पे मार्केट लगता है, जिसको बोलते हैं पूरी बीच। यहाँ पे डेली नए नए लोग आते हैं और हर दिन नया नया चेहरा दिखने को मिलता है। मतलब पूरी ऐसी जगह है ना जहाँ बहुत बाहर बाहर लोग आते हैं, मतलब इतने सारे, मतलब यहाँ पे विदेशी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, सब इंडियन ही आते हैं। विदेशी भी आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। हाँ यहाँ पे मतलब वो सब के लिए उतना नहीं आता, सर तक उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। जितने भी पूजा करने वाले हैं ना, जो कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, वो तो सारे लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये है रोड किनारे, उधर का पूरा होटल है और इधर रोड किनारे पूरा दुकान दुकान लगा हुआ है और यहाँ से शुरू होता है इधर का मार्केट, ये पूरा भरा हुआ है। देखो लहर, बाकी अभी कोई नहीं नहा रहा है क्योंकि रात हो गया है ना, तो कोई नहीं नहाएंगे, बाकी सब मार्केट का मजा ले रहे हैं, यहाँ बैठ के समुद्र देख रहे हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है मीना बाजार जैसा मार्केट, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक भीड़ भाड़ तो है। ये देखो केकड़ा, ये है केकड़ा बड़ा वाला, इधर और है, ये देखो खाओगे आपके लिए केकड़ा। गांव में कौन कौन खाता है, देखो यहाँ पे स्पेशल डिश है बड़ा वाला केकड़ा, ये बड़ा वाला झींगा, ये मछली बहुत प्रकार की मच्छी है, ये देखो केकड़ा, ये देखो तला हुआ केकड़ा, ये बड़ा वाला झींगा, 100 रुपए का एक है, सोचो ये झींगा चिंगरा, ये छोटा वाला। और मछली तो जो खाना चाहते हो वैसा है पूरा, ये झींगा देखो छोटा वाला, ये बड़ा वाला। यहाँ पे पूरा का पूरा सी फूड का बाजार है, मतलब जितना भी खाना चाहते हो ना सारा। करते हैं केकड़ा जो कि गांव में खाते हैं ना, यहाँ वाला केकड़ा ट्राई करते हैं कि समुद्र का केकड़ा कैसा लगता है। खाए थे सिर्फ वो ना क्या बोलते हैं रस्सा सूप, ये देखो केकड़ा जिसके पैर भी हैं, ये देखो सब चबा के खाना है। हाँ ये आप खा रहे हो ना, थोड़ा खाए। उसका हाथ अलग केकड़ा चटनी के साथ में, तीखा खट्टा मीठा चटनी कर केकड़ा, टोमेटो सॉस। यहाँ पे पूरा का पूरा सी फूड का बाजार है, मतलब जितना भी खाना चाहते हो ना सारा। तो पतंग मिलता है, देखो ये अलग उड़ा रहे हैं, ये देखो पतंग छोटा वाला पतंग यहाँ मिलता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, यहाँ पे बहुत सारे लॉकेट्स हैं, बहुत सारे चाबी छल्ले हैं। कितने का है? 100। ये ना दुकान में रखने के लिए सुधु अच्छा है, सुधु होता है। सकते हैं बहुत सारे भगवान लगते हैं यहाँ पे। ये क्या है खोल के देखा तो, सिंदूर रखने का डिब्बा। आपका सिंदूर डिब्बा चाहिए, एक ले लो। आपका कौन सा, उसमें लिक्विड हो जाता है ना आपका? तो नहीं नहीं पूजा करते हैं ना वहाँ पे रखने के लिए। ये वाला बैग तो अच्छा लग रहा है, 150 का है ओनली। और यहाँ पे बहुत सारे बैग्स हैं, इसे छोटा वगैरह नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा चाहिए था इसे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला, ये वाला, ये तो उसके बगल वाला देखो वाला, हाँ ये वाला, ये वाला एक ही है, इसको एक वन सेट। ये वैसे ही है क्या? वो कितना है? 180, ये वाला 130। नहीं आया, बाकी बैग ढूंढते हैं। बैग प्यारा प्यारा था लेकिन बहुत बड़ा साइज में था, तो शायद मतलब पकड़ने में कंफर्टेबल ना लगे। कलेक्शन बहुत सारे संग अलग अलग, आपको चूड़ी। हाँ ये तो सब गर्ल्स के आइटम्स हैं बहुत सारे। ये
अच्छा है, ऐसा और था क्या आपके पास में? था क्या ऐसा? रख लो, साइन करने वाला है ये सब। हाँ ये देखो सब कैसे लग रहा है, वाइट कलर अच्छा नहीं रहा होगा। ये दोनों, ये दो ले रहे हैं और ये भी लेना है, ये नहीं ले रहे हैं, और दो ये इनकी इनकी चूड़ियाँ। ये वाला और भी कुछ चूड़ियाँ हैं, वाइट वाला, वाइट चूड़ी। ये वाला डॉल देखो मस्त लग रहा है, ये देखो नहीं ऐसे वाइट प्लेन वाला लो ना, या फिर ऐसे है देखो कलर वाला भी है, लेकिन तीनों लड़ेंगे कलर के लिए, इसलिए सेम टू सेम लोगे ना तो अच्छा है तो के लिए ना। हाँ तीन भतीजी हैं आपके, तो मस्त डांस कर रहे हैं चिड़िया, डांस मस्त लग रहा है। ये देखो ब्रेसलेट, हाँ छोटी के लिए यार ले सकते हैं, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, ये भी है ना, वाओ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे दुकान है, मतलब सभी जगह अलग अलग चीज़ मिलते हैं, बहुत सारे, कहीं पे ये पसंद आ रहा है तो कहीं पे वो, और यहाँ पे वाइट वाला चूड़ी भी है, चूड़ी की शॉपिंग पूरा। शंख का बना है देखो, ये शंख से बने हुए चूड़ियाँ हैं। ये क्या है देखो, ये क्या है बाजा, यहाँ से निकालो रस्सी को, बोलो भैया ये क्या है, पर्स, पेंसिल बॉक्स है, वाओ हमारे जमाने में होता तो मैं लेके जाता इसको, कितना अच्छा लग रहा है, ये पेंसिल बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स देखो, इसको खोल के देखो, ये प्यारे प्यारे बॉक्स हैं मस्त, ये बांस का बना हुआ है ना, ये देखो इसमें रख सकते हो आप लोग कुछ घर पे सो के लिए। भैया ये ना ये आई 60 ये 130 130 बड़ा, ये 130 वो 80 मीडियम वाला, ये छोटा 60 तो ले रहे ना, एक ये वाला, ये वाला, हाँ ये दो ठो मस्त लग रहा है, तीनों अच्छा लग रहा है बाकी। ये ले रहे हैं, ये और भी है, आप यूज कर रहे हो ये ना, ये वाला इसमें लाइट जलता है, ये देखो ये वाला, इनको अपनी मम्मी जी के लिए लेके जाना था। कितना शॉपिंग किया हो? बस इतना ही, पांच दुकान को से पांच दुकान में इतना ही, प्यारे प्यारे हैं, हाँ ये देखो कितने प्यारे प्यारे, मतलब वो देखो राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान बहुत सारे, वाओ सी शॉप, इधर भी शॉप, उधर भी शॉप, पूरा शॉप शॉप, खिलौने, ज्वेलरी, तो बड़ी मम्मी खिले, याद आया, ये देखो ये सामने देखो ना, ये अरे ये आप पहने हो याद आया, देखो इसको लेके आए थे ना हम लोग, कोटा से लेके आए थे इसको मॉल से, और यहाँ भी मिल रहा है ये,
वो ऊपर में सब गोल गोल वाला, फोन करके बता दो। अरे देख चुके हैं लोग, वैरायटी आप जितना चाहे लेना चाहते हो ले सकते हो। देखो इतना सारा, यहाँ छोटे में, मीडियम में, ये देखो मीडियम, एक छोटे छोटे को, ये देखो छोटा वाला, इधर देखो, देखो बज रहा था, हम ये ले रहे हैं छोटा वाला शंख, यहाँ पे जितना भी है ना, देखो देखो हाथ में पकड़ते ही बज रहा है, सबसे बड़ा हाथ में पकड़ोगे तो बजता है ये, देखो 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 पूजा थाली, वो क्या है बताओ तो, ये सब क्या है भैया, यहाँ पे घर को सजाने के लिए आपके लिए। ये घोंगी है क्या? हाँ। सच में घोंगी है? देखो ये कैसे दिए भैया, कुछ नहीं है ये, ऐसा है भगवान जी का बना हुआ। ये देखो घोंगी है, ये पूरा का पूरा बनाता रहता है, कोई बनाता नहीं है, इसको गूंथ के रखें, छोटा वाला झींगा मतलब घोंगी है जो रहता है तालाब सब में रहता है, और इसमें बड़ा वाला चिपका हुआ है ऐसे, ये बहुत लंबा है। देखो ये पाइप के साथ में जितने भी है ना, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो मन ही नहीं भरता है, मतलब बहुत सारे चीज है, मतलब बहुत कुछ है। अरे ये है कि मैं अरे ना ऐसे एक पूजा स्थल होना चाहिए जहाँ पे ना सारे भगवानों का मतलब पूरा होना, दुकान जैसे लगना चाहिए, दुकान से नहीं मतलब पूजा स्थल, जैसे मंदिर में रहते ना बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। ये कछुआ है, इसमें थाली है, ये देखो। अब मूर्तियाँ तो आप जितना चाहे ले सकते हो, देखो बहुत प्यारे प्यारे, कपल वाला भी है वहाँ पे, देखो कपल वाला, और यहाँ पे ये सब सारे बहुत सारे बरसात में भीग जाओगे तो आपके लिए, देखो ले ले, हमारे यहाँ बहुत बारिश होता है ना, हाँ ले लो छाता। वैसे ये पेन है, पेन है देखो, ये पेन है भैया, पेन पेन, वाओ ये पेन है, बाकी छाता वाला डिजाइन में देखो, ये सब भी देखो बहुत प्यारा पड़े, छोटी के लिए एक चूज करना कोई, हाँ उसको अच्छा लगेगा, छोटी को पसंद है ऐसा कुछ। कैसे दे रहे भैया ये, कैसे भैया पेन पेन बताओ, पेन हाँ पेन प्राइस 10 20 20 20 रुपये दो ठो, ये पेन लेते छोटी के लिए, ये देखो मस्त दिख रहा है, वाह आइए अब डांस कर रहे हैं, शॉपिंग हो गया इतना सारा, इधर बहुत कुछ है लेने को, मतलब बहुत सारा मार्केट बोले तो बहुत, फैन मिला मेरे को बहुत पसंद आया, चला के बताओ, ये देखो मतलब हाथ से कंट्रोल है, इस पर प्रेस करो ये फैन घूमता है, ये ना लाइट ना रहे ना तो बहुत काम कीजिए सच्ची में, ये लेके जाऊं, यहाँ कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो गया ना तो एक झोला पकड़ना खरीदना पड़ा, देखो वैसे मम्मी के लिए है, मम्मी के लिए है, दिखाओ क्या रहा है, हमारा सारा सामान इस पे आ गया, जितना शॉपिंग था सब कुछ आ गया इसके अंदर, है ना अच्छा लग रहा है, इनका शॉपिंग ही शॉपिंग चलते रहता है, इसलिए वापस चलो, सारा शॉपिंग हो गया बहुत सारा, अब दोबारा मार्केट नहीं आएंगे हम, बाकी मार्केट बहुत प्यारा है, यहाँ हो गया तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, और क्या क्या शॉपिंग किए देखो, ये गाड़ी ट्रेन और एक वो गाड़ी घूम रहा उधर, लेके आओ उसको, लेके आओ गाड़ी, ये देखो ये ट्रेन, ये देखो गाड़ी, ये देखो सेंसर लगा हुआ स्पेशल, आ जा वापस वापस, ये देखो वाओ पूरा अंदर में पूरा इंजन दिखाई दे रहा है, देखो
का हो गया शॉपिंग सारा का सारा, तो बहुत सारा शॉपिंग कर दी, कम से कम 1500-2000 से पार हो गया। और बहुत सारा खिलौना बाकी लोग भी लिए हैं, इन लोग भी लिए हैं, तो शॉपिंग बहुत सारा हो गया। तो चलो अब आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा, ठीक है। आज तो फिलहाल हो गया सारा, कल निकलने का प्लान है कल शाम तक, तो देखते हैं कल जा सकते हैं चिल्का झील। तो अगला ब्लॉग का वेट करूँ, आएगा बहुत जल्दी। झील और समुद्र के बीच में एक टापू है जहाँ पर जाने का प्लान। चलो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और